हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में यार हम लोग टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 का, और आपको बताने वाले हैं कि यार ये बाइक मुझे चलाने में कैसी लगी और ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसका कंफर्ट कैसा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं कहना चाहता हूँ यार, हीरो का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो हीरो शिवा मोटर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनकी मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, इस बाइक को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। जो पुरानी सुपर स्प्लेंडर आती थी और अब की सुपर स्प्लेंडर में ये काफ़ी बदल चुकी है, और इसमें आप गियर भी बढ़ चुके हैं। अब इसमें आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। तो चलिए मैं इस बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर इसको चला करके मैं बताता हूँ आपको कि ये बाइक कैसी है और किस तरह से चलती है, स्मूद है या नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं राइड पर और देखते हैं इसकी कैसी है परफॉर्मेंस। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं इसका टेस्ट करने। तो बाइक का जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा तो मुझे ये फील हुआ, ये काफ़ी मतलब इसका पिकअप अच्छा है। 10 BHP का इसमें पावर आपको देखने को मिलता है और आपको इसमें 10.6 Nm का टॉर्क भी दिखता है 6000 RPM पर। और इसका जो गियर पैटर्न है, एक गियर इसमें नीचे पड़ेंगे और 4 गियर ऊपर की तरफ पड़ेंगे। तो गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब कि अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो ये काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स है। और एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन भी काफ़ी ठीक था। और साउंड की बात करूँ तो साउंड काफ़ी मतलब साइलेंट है और सूदिंग है, ज़्यादा लाउड साउंड नहीं है इसमें। और जो बैठने का तरीका है इसमें, ये काफ़ी अपराइट है, आपकी कमर नहीं दुखेगी और पीछे वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और टोटली आप अपराइट बैठोगे। और इसका अगर मैं सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पर सस्पेंशन जो है सॉफ्टर साइड है, क्योंकि ये एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है इसलिए इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, जिस वजह से ये गड्ढे वड्ढे ब्रेकर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है। और इसके स्विच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको राइट साइड में i3s का भी बटन मिल जाता है देखने को, और भी जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आपको साथ में देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है कि आप देख सकते हो कि आपका साइड स्टैंड ऑन है। और ओवरऑल मीटर में कुछ खास करा नहीं गया है, मीटर वैसा ही है जैसे पहले आता था, बस ये है कि थोड़ा सा इसके बीडिंग को चेंज करा गया है और टैंक के शेप को चेंज करा गया है। और ओवरऑल अगर मैं इसके फ्यूल डिलीवरी की बात करूं तो यहाँ पर फ्यूल डिलीवरी काफ़ी अच्छे से होकर निकल रही थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी चलाने में, पिकअप भी प्रॉपर मिल रहा था। और फ्यूल इंजेक्शन होने के कारण इसमें आपको 50 से 55 KMPL का माइलेज भी आराम से मिल जाएगा। और अगर मैं फ्यूल टैंक की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका टैंक रेंज भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अगर मैं इसके टायर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको थोड़े से चौड़े टायर देखने को मिलते हैं कंपेयर टू अदर जो मोटरसाइकिल आती है इनकी 100 और 110 cc में। तो यहाँ पर आपको पीछे वाला 90-90-18 का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा और इसकी सीट हाइट जो है 799 mm है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप अगर शॉर्ट हो या शॉर्ट राइडर हो या थोड़े से लंबे राइडर हो तो भी ये आपको सूट करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बशर्ते ये है कि ज़्यादा शॉर्ट राइडर इसको नहीं चला सकते हैं, क्योंकि 800 mm की सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से ये ख़राब रास्ते पर भी आराम से चल सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी मुझे चलाने पर, मतलब 125 cc में काफ़ी अच्छा पिकअप लगा मुझे। और आप इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट भी खरीद सकते हैं अगर आपका मन हो तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो यहाँ पर ये आपको 68,474 रुपये की एक शोरूम कीमत आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को यार दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आप इसका डिटेल्ड में रिव्यू जानना चाहते हैं तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।